नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में जिसकी सीमाएं दो अलग अलग राज्यों से जुड़ती है और इसकी जो एक प्लेटफॉर्म है वो दूसरे राज्य में है और दूसरा प्लेटफॉर्म जो है वो दूसरे राज्य में है। हम आगे इस पूरे वीडियो में जानेंगे इस रेलवे स्टेशन के बारे में, इसके ऐतिहासिकता के बारे में, इसके दर्शनीय स्थल के बारे में और इसकी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में। भारतीय रेलवे विश्व की सबसे पुरानी रेलवे संस्थाओं में से एक है। रेलवे की बात करें तो यह विश्व की पुरानी रेलवे में इसका जिक्र किया जाता है। बता दें कि भारतीय रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के समय से हुई थी। रेलवे स्टेशनों और उसके टाइम टेबल को लेकर आपने कई किस्से और कहानियां सुनी होंगी। आज हम आपको एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दो राज्यों में स्थित है। बता दें कि इस रेलवे स्टेशन का संबंध बिहार और झारखंड के साथ है। आपको बता दें कि बिहार झारखंड से साल 2000 में अलग हुआ था, लेकिन आज भी बिहार झारखंड के लोग एक दूसरे के राज्य में उसी उत्साह के साथ घूमते हैं या फिर आते जाते हैं जैसे वो उसको अपना प्रदेश मानते हों। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में जो कि बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों की सीमाओं से मिलता है। बता दें कि दिलवा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली अप और डाउन रेलवे दोनों राज्यों को बीच में बांटती है। अगर गया की ओर से आने वाली रेल यात्री जब दिलवा स्टेशन पर उतरते हैं तो उनके कदम अभी भी बिहार में होते हैं, जबकि अगर आप धनबाद की तरफ से आते हैं तो दिलवा स्टेशन पर आप उतरेंगे तो आपके पांव झारखंड की ज़मीन पर होंगे। इसी स्टेशन पर अगर आप अप और डाउन की तरफ पैदल आते और जाते हैं तो आप बिहार और झारखंड की सीमाओं को आसानी से लांघ सकते हैं, एक दूसरे के राज्य में जा सकते हैं। अगर एक तरफ जहां एक यात्री के लिए कौतूहल का विषय है तो वहीं दूसरी तरफ यह पुलिस प्रशासन के लिए एक समस्या बनकर सामने आता है। किसी भी तरह की घटना होने पर यह समस्या होती है कि आखिर यह किसकी सीमा में आता है। सीमा विवाद के कारण पुलिस को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो स्थिति यह होती है कि दोनों ही राज्यों की पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और उसके बाद यह डिसाइड हो पाता है कि यह घटना किसकी सीमा के तहत है। दिलवा रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह एक छोटा सा स्टेशन है, यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है, यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं। बता दें कि यह स्टेशन झारखंड की तरफ से कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड की पंचायत में आता है, जबकि बिहार की अगर हम बात करें तो यह राजौली अनुमंडल का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि इस स्टेशन पर बहुत ट्रेनों का ठहराव नहीं है, लेकिन यहाँ पर आसनसोल वाराणसी पैसेंजर ट्रेन रुकती है, उसका ठहराव है। यहाँ पर EMU अप और डाउन का ठहराव है, जबकि डाउन लाइन में केवल इंटरसिटी यहाँ पे रुकती है। इस स्टेशन से गुजरने वाले यात्री यहाँ का नज़ारा लेना नहीं भूलते हैं। जब आप इस रूट से गुजरेंगे तो दिल्ली हावड़ा रूट पर दिलवा स्टेशन की तीन सुरंगों से होकर आप गुजरेंगे। इस स्टेशन पर खासकर ट्रेन में यात्रियों को, खासकर बच्चों की अगर हम बात कर लें तो उनके लिए यह एक रोमांचक पल होता है। इस दौरान ट्रेन जंगलों पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है, जिसे देखने के लिए बच्चों से लेकर बड़े लोग भी जो है इंतज़ार करते हैं। यह स्टेशन एक तो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना ही जाता है, उसके बाद यह रेलवे स्टेशन बिहार और झारखंड की सीमा के कारण भी लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बना है। बिहार और झारखंड का बंटवारा भले ही साल 2000 ईस्वी में हो गया हो, लेकिन आज भी यहाँ पर दोनों राज्यों के बीच में साझेदारी साफ तौर पर देखने को मिलती है। तो एक तरह से कहने के दिलवा रेलवे स्टेशन जो है वह बिहार और झारखंड की दो अलग अलग सीमाओं के बीच में स्थित है, लेकिन आज भी यह रेलवे स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म बिहार से जुड़ता है तो दूसरा प्लेटफॉर्म जो है वह झारखंड से जुड़ता है, लेकिन आपसी समरसता का यह एक प्रतीक बना है रेलवे स्टेशन जो कि दिलवा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है और बिहार और झारखंड के लोग उतनी ही तन्मयता से यहाँ पे आते हैं और जाते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।